press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूला के किसी एलिमेंट का परसेंट मास निकालना सीखेंगे। आइए वाटर के एग्जांपल से समझते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस को सामान्यतः केमिकल फार्मूला के रूप में लिखा जाता है। केमिकल फार्मूला से उसमें शामिल प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्या का पता लगता है। वाटर का केमिकल फार्मूला H2O है। इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी प्रत्येक एलिमेंट के मास के आधार पे उनके परसेंटेज के बारे में सोचा है? इसके लिए पहले आपको प्रत्येक एलिमेंट का एटॉमिक मास जानना होगा। इस तरह आप वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास पता कर पाएंगे। पीरियोडिक टेबल की मदद से सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता किए जा सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस की सहायता से क्या आप एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बता सकते हैं? वीडियो रोक के इस पे विचार करें, फिर आगे बढ़ें। एक मोल वाटर का एटॉमिक मास 18 ग्राम आएगा। इसे मोलर मास भी कहते हैं। एक मोल वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। प्रत्येक का एटॉमिक मास 1-1 ग्राम है, यानी 2×1 2 के बराबर हो जाएगा। इस एटॉमिक मास को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास में ऐड किया जाएगा, यानी 16 और 2 ऐड होके 18 ग्राम हो जाएगा। क्या आपका भी यही आ रहा है? मॉलिक्यूल के मोलर मास की सहायता से अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज मास पता कर सकते हैं। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। किसी सब्सटेंस का मास परसेंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मास परसेंट इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट का मास अपॉन उस कंपाउंड के एक मोल का मास इनटू 100। आइए इस फॉर्मूले की मदद से हाइड्रोजन का मास परसेंट निकालते हैं। एक मोल में उपस्थित हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है। अगर आप इसे 18 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर में उपस्थित हाइड्रोजन का परसेंटेज मास मिल जाएगा। वीडियो रोक के आप इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसका आंसर 11.1% आएगा। ठीक इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी मास परसेंटेज पता कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसे यहाँ कैलकुलेट करना आवश्यक है। यहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज है कि आप ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकाल सकते हैं। वीडियो रोक के इस पे विचार करें, जब आंसर मिल जाए तो आगे बढ़ें। याद रहे कि परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100 होता है। 100% में से 11.1% मास हाइड्रोजन का है, बचा हुआ 88.9% मास ऑक्सीजन का हो जाएगा। किसी भी केमिकल फॉर्मूला में किसी एक या कई एलिमेंट्स का परसेंट मास निकालने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए एक बार जल्दी से समरी देखते हैं। किसी एलिमेंट का मास परसेंट एक मोल कंपाउंड में उपस्थित एलिमेंट का मास अपॉन उस कंपाउंड के एक मोल का मास के बराबर होगा। परसेंटेज में बदलने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें।